है कि आप लोग जीव हत्या को छोड़ दो, अंडा मुसलमान शराब को छोड़ दो, क्योंकि जो हम बुद्धिनाशक नशे करते हैं, आप देख लो कि उनके नशों को करने से व्यक्ति की बुद्धि पागल हो रही है। और आज व्यक्ति 3 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की महिला तक बलात्कार करने को बैठा है, क्योंकि उनकी बुद्धि पागल हो गई है। गुलाबी शहर, गुलाबी प्रकट, गुलाबी देशों बहन का राज, महिला के साथ पुरुष प्रकट की सड़कों पर उतरे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रकट में वो चढ़खाने अवैध रूप से वो मांस की दुकान है, मीट की दुकान है, इनको बंद करवाने के सड़कों पर आह्वान किया है। इन्हीं से जानते हैं शहर को, आपने रामगंज जैसे इलाकों को जो की मुस्लिम इलाका है, इसको क्यों चुना आपने? देखो, जितने भी मांसाहारी की दुकान है बहुत ज्यादा थे, ये उन्हीं इलाकों में ज्यादा है, तो उन लोगों को भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग एक काम को छोड़ दो, और जो गैर कानूनी दुकान है, जो बुचड़ खाने चल रहे हैं, उनको उनसे हमारी यही प्रार्थना है कि आप सरकार से परमिशन लेके अगर आपको ये काम करना है तो लेके करें। और वास्तव में अगर देखा जाए तो सबसे यही प्रार्थना की जा रही है कि इस जीव हत्या को आप छोड़ दें, क्योंकि वह कुदरत नाराज खड़ी है और सजा देने को तैयार है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है कि मत सता गरीब को, वो रोदेगा, सुन लेगा उसका परमात्मा, तुम्हें जड़ से खोदेगा। इसलिए प्रकृति नाराज है वो, क्योंकि हम उसके बनाए जीवों को मार रहे हैं, काट रहे हैं सिर्फ जीव स्वार्थ के कारण। इसलिए हमें कोशिश, ये प्रचार के माध्यम से सबको यही संदेश देना चाहते हैं, हर जाति मजहब के जो लोग हैं, जिस प्रकार का जो दुर्व्यसन करते हैं, अंडा मछली समाज सभा का सेवन करते हैं, उनसे हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग खाना छोड़ दो तो वे काटना छोड़ देंगे। इसलिए सरकार से भी हमारी बार बार यही प्रार्थना है, और प्रधानमंत्री साहब से भी हमने लाखों करोड़ों तादाद में हमने पत्र लिखे कि गौ माता और राष्ट्र पशु घोषित कर दो, तो आधे बुचड़ खाने तो वैसे ही बंद हो जाएंगे, पशुओं का कटना बंद हो जाएगा, जीव हत्याएं बंद हो जाएंगी। लेकिन अब वह समय आ रहा है कि जब जाकर सरकारों को गाय को राष्ट्र पशु घोषित करना पड़ेगा, और जब गाय राष्ट्र पशु घोषित हो जाएगी, उसी दिन से बाबा मकान जी महाराज ने कहा कि सतयुग की किरण आपको नजर आने लग जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में अमन और चैन होने लग जाएगा। इसलिए बार बार हम जगह जगह पूरे हिंदुस्तान के अंदर गली मोहल्ले में जा जाकर लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि आप लोग जीव हत्या को छोड़ दो, अंडा मुसलमान शराब को छोड़ दो, क्योंकि जो हम बुद्धिनाशक नशे करते हैं, आप देख लो कि उनके नशों को करने से व्यक्ति की बुद्धि पागल हो रही है। और आज व्यक्ति 3 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की महिला तक बलात्कार करने को बैठा है, क्योंकि उनकी बुद्धि पागल हो गई है ऐसे दुर्व्यसन करने से। इसलिए बाबा जी ने कहा कि बुद्धिनाशक नशों का सेवन छोड़ दो, जिससे अपने पराई माँ बहन बहु बेटी की पराई पहचान आपको हो जाए और आप कुकर्म न करें। लेकिन अवैध बुचड़ खाने कहीं चल रहे हैं, सरकार को ध्यान है, एक्शन क्यों नहीं होता? फिर कहीं ना कहीं इसमें सरकार के जो नुमाइंदे भी हैं, वो भी उनके भी शायद सहयोग से ही चल रहा है, क्योंकि बिना सहयोग के तो ऐसा काम होता नहीं। और हम तो ये सरकार, जो विधायक महोदय जी के माध्यम से ये सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि अवैध शराब बुचड़ खाने हैं जो बंद कर देने चाहिए, जिसके कारण ने आगे जो है ये जो ये अवैध बुचड़ खाने और ये शराब बंद होंगे, तभी ये जो घटनाएं घट रही है, अपराधी घटनाएं हो रही है, वो घटनाएं बंद हो जाएगी स्वतः ही। देखिए, गाय पर राजनीति खूब होती है, लेकिन अभी भी सरकार है वो गौ माता का दर्जा भी नहीं दे पा रही है। गौ माता का दर्जा सरकार पता नहीं क्यों नहीं दे पा रही है, लेकिन हमको हमारे महाराज जी और गुरु महाराज हमारे यही बोलते थे कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए और गाय कटनी नहीं चाहिए, क्योंकि गाय के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, तो मनुष्य शरीर मिलेगा तो इंसान का उद्धार होगा, जीवात्मा मतलब वजन करके अपार होगी, अपने अपने घर अपने मालिक के पतन के पास पहुंचेगी। तो इसलिए गाय को राष्ट्र पशु बनाने के लिए ही हमारे महाराज जी प्रयास कर रहे हैं और हम भी उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं आज गुलाबी ड्रेस, गुलाबी नगरी में? हम गुलाबी नगरी में ये संदेश दे रहे हैं कि जितने भी बुचड़ खाने हैं सब बंद होना चाहिए, हमारा यही संदेश है आज का। मुस्लिम इलाकों में खासतौर पर आप ये रैली निकाल रहे हो? हाँ, बस यही है, बुचड़ खाने जो भी है जितने भी है सब बंद होना चाहिए। ये मुस्लिम इलाके से मतलब नहीं, हम हमारे लिए सब बराबर है, लेकिन हम उनसे मुसलमान भाइयों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि ये भी छोड़ दें, ताकि इनकी भलाई हो आगे, ये इनकी बुद्धि ठीक रहे और ये भी आगे हमारा साथ दें। फिर खुदा का सम्मे जीव है, सांकेतिक रैली निकाल रहे हैं, हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि जो भी बुचड़ खाने हैं अवैध रूप से, उनको सरकार बंद करे, गाय को गो माता का दर्जा दे, और साथ ही जो लोग मांसाहारी है वो शाकाहारी बने। कैमरा सहयोगी
मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर राजस्थान तक।